पर्सनल अटैक ऑन मीडिया, पर्सनल अटैक। मीडिया कौन? आप। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती यार? ऐसे रखनी ना। हाँ जी। ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं बंदा यार। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं बिल्कुल। ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागलखाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे। खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है, और इस खबर को खबर बनाते हैं हम। क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है। और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है। बस करो सर। सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्म हत्या कर ले, आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज। हाँ। शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। दूध वाला है नहीं सर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? वेर आर यू दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो सब? पूछो। हाँ मैं पूछते हैं कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं दूध वाले कहाँ हो तुम, ऐसे पूछते हैं। थका दिया मुझे भी। पानी का ग्लास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो मुझे, मुझे जग दो, जग दो मुझे, प्यास लगी है मुझे, जग दो, जग दो, 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 जग दो, आराम से पियो सर। बताइए, बोलिए, बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए। नहीं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ। कब बोलेंगे? नहीं बोलिए तो सही। बोलने तो देंगे आप, बात ही नहीं करने दे रहे हैं मुझे। सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, चुप कराया जा रहा है, एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे। एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश, ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है। अबे चूसल पाड़ा के चोमू। मैं आप ही की तरफ हूँ मैं। ओह गुड। तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर। यस नोरा फतेही, आई चैलेंज यू। चैलेंज यू नोरा फतेही, हिम्मत है तो सामने आओ। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है नोरा फतेही, आई चैलेंज। वो देखो जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा। जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। हाँ। जो तेरी कमर में है उसे लचक नहीं चर्बी कहते हैं। ठोको। ओए गुरु जितना तू बोलता है। ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच रहे मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में आया, को चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है, अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी। हाँ। और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज़, दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है। साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने, क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी सोचिए, क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई। ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी, ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिसपे धमाका हो। अच्छा, तो धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी आपको, आप बताइए आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई, क्या इशारा कर रहा है ये? देखो किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या कानून आए ना आए, नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पर रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूं। पर्सनल अटैक ऑन मीडिया,
पर्सनल अटैक। मीडिया कौन? आप। ऐसा हम मानते हैं। चलिए पर्सनल अटैक ऑन मीडिया किया है इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चुप नहीं रहेंगे। आप बताइए दूध वाले ने घंटी बजाई क्यों? देखो मैं अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं बता सकता, 2 मिनट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। ये दूध वाले ने सामने किसी को हटाने के लिए घंटी बजाई हो मेरे साथ। अच्छा सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल था। जब अर्चना जी ने आपको हटाया तो घंटी बजाई थी? जोक, दैट वाज अ जोक, कॉमेडी हो गई। हमारे शो पे आज कॉमेडी हुई है। ये कपिल शर्मा शो क्या कॉमेडी करेगा, कॉमेडी यहां हुई है। आई चैलेंज यू कपिल शर्मा, आई चैलेंज यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। बात सुन मोहतरमा, तेरा दिमाग खराब नहीं होता इसके पास बैठ के? वो तो कान के पर्दे भर देगा तेरे। ये करारा जा, मेरे को करारा, तुझे क्या लगता है दुनिया में, तू ही हट हट। ये क्या फालतू की है बात आपने? देखो अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैंने अनुभव सिन्हा की फिल्म जो है तेरे मुंह पर रिलीज कर देनी है। मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं मजाक नहीं कर, मैं आपका बड़ा फैन हूं, मैंने आपकी थप्पड़ देखी। हाँ। अब आप मेरा मुक्का देखो। एक न्यूज एंकर को मारा जा रहा है, एक न्यूज एंकर को जान से मारने की साजिश की गई है यहाँ पर। पता नहीं कैसी बातें करता, मैं को दो लाइनें याद आ गई। चकरे फटे थे नपरे किली, चकरे फटे थे नपरे किली, मैंने इसकी पूरी बॉडी चेक की, मुझे गर्दन नहीं मिली। सरेआम पकड़ी न्यूज एंकर की गर्दन, गर्दन पकड़ी सरेआम न्यूज एंकर की, आम सरे पकड़ी गर्दन एंकर न्यूज की। एक एक तरह रह गया कि एंकर पकड़ी गर्दन, तू ऑडियंस को दे दे, वो बना लेंगे अपने आप। अरे आप लोग घुमा फिरा के सेम ही बात बोल रहे हो। इट्स नॉट सेम, इट्स नॉट सेम, इट इज शेम। ओए मेरी बच्चा जब सुसु करता है तो सब कहते हैं शेम शेम शेम, यही कारण है कि बच्चे आजकल इतने छोटे पैदा हो रहे हैं। मैंने देखा 1 साल का बच्चा इतना सा। अरे तो 1 साल का बच्चा इतना ही होता है? नहीं, कल मैंने कुत्ते का बच्चा देखा 1 साल का, इतना बड़ा। अरे तो कुत्ते के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क रहता है सर। कब कब बंद करेंगे हम ये फर्क, कब? क्यों नहीं इस फर्क को रोकते हम, इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में फर्क क्यों? ओ मेरे भाई, मुझे थोड़ा ब्रेक लेके ऑक्सीजन ले ले। तू कहीं मरना जाना, तू क्या करेगा, तू इतनी TRP लेके पैसे लेके तू मर जा जा। इतनी जोर से बोलता मेरे को 3 बार सुसु आ गया। मैं वैसे, मैं अनुभव सिन्हा जी, मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कभी कभी घर पे अपना TV चलाता हूँ। अच्छा इसकी इतनी तेज आवाज आती है, मैं TV बंद भी कर दूं इसकी आवाज आती रहती है। मुझे कोई चुप नहीं कर सकता, नहीं। सकता नहीं कोई चुप मुझे, हो सकता नहीं चुप कर मैं, यू हो नहीं क्या, नहीं सकता मैं, मेरा आवाज चुप बंद नहीं नहीं। देखो इस मौके पे दो लाइनें याद आई हैं शायद। माँ के कदमों में पूरा जहां है, माँ के कदमों में पूरा जहां है, गुस्सा मेरे को आ रहा है, बताओ मेरी चप्पल कहाँ है? अरे माने करे मार देनी, चप्पल आपके पैरों के नीचे, माँ करे मार देनी। ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज एंकर को धमकी दी गई है कि उसके मुंह पे चप्पल मारी जाएगी और आप लोग यहाँ पर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं आप लोग, कब तक हंसेंगे आप लोग? एक दिन जब सारे जोक्स खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, गुदगुदी करेंगे? थक गया मैं, मुझे पानी का, जग दो मुझे, जग दो। देखो जब तक ये घोड़ा पानी पी रहा है, दो लाइनें अर्ज की हैं इरशाद कि कम बालों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो। समझ आया नहीं, वाह करो। देखो कम गेंदों पे बनाने हो अधिक से अधिक रन तो छक्के पे छक्का दो, तो इसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही, इसको तालाब में धक्का दो। बिल्कुल, फिर हम बोलेंगे गई भैंस पानी में। हमारे यहाँ पर काम करना है तो सवाल पे सवाल करना सीखो, यहाँ पर जवाब की कोई अहमियत नहीं है। हम करते हैं सवाल तभी तो मचता है बवाल। मेरे को याद आ गया यार, मैं तेरी फिल्म देखी है। क्या बात है, मैंने तेरी फिल्म देखी है, बारिश के पकौड़े।
पकौड़े में तू था? नहीं मैं नहीं पकौड़े। तो पकौड़े में कौन था? तू थी। पकौड़े में कौन था? तू था। कौन था पकौड़े में? शायद पकौड़े में बेसन होगा। व्हाट इज दिस बेसन पकौड़ा? ओए गुरु मेरी बात सुन। बोलिए। मैंने तेरे शो के पकौड़े लगा देने। पर तू कोई एक बार अच्छी सी कब्र देख के लेट क्यों नहीं जाता? मिट्टी हम डाल देंगे। ओ दरियाई घोड़े की बड़ी बहन तुम क्या कर रही हो? ओ सर मेरे अंदर ना एक्टिंग का कीड़ा है, थोड़ा निकाल दो ना। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक्टिंग में, है कि नहीं सर? नहीं बहुत, लेकिन आपने आजकल जगह ले ली है, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। कर रहे हैं सर, कोशिश है। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात कही, भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत। और जब आती ना हो एक्टिंग फिर तो और भी ज्यादा लगती है। एक सेकंड के अंदर अगर तुमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अभी बनाती है, दबाया गया एक्टर को। ऐसे बनती है ब्रेकिंग न्यूज? एक्टर दबाया गया। जोश लाओ, जोश लाओ। जोश में दबाया गया एक्टर को। आवाज में जोश ला के दबाया गया एक्टर को। तुम चिल्ला क्यों रही हो? न्यूज एंकर चिल्लाता है क्या? क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तुम लोग करो, मुझे चिल्ला है, तुम लोग करो। कभी देखा मुझे चिल्लाते हुए? न्यूज एंकर कभी नहीं चिल्लाता। समझी? समझी कि नहीं? समझ गई। समझी? समझ गई। समझी कि नहीं? समझी। समझ गई रे। वो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कुर्सी की सीधी साइड कौन सी होती यार? ऐसे रखनी ना। हाँ जी। ऐसे तो नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, एक न्यूज एंकर होना कोई आसान काम नहीं है। नहीं बिल्कुल। ये हमारी 650वीं एंकर है, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने स्टूडियो को पागलखाने में तब्दील करना पड़े, लेकिन हम सच्चाई के साथ रहेंगे। एक एक न्यूज आपके कान तक पहुंचाते रहेंगे, हम कान में उंगली करते रहेंगे। लाइए एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक बहुत बड़ी हीरोइन से आपकी मुलाकात कराते हैं। अच्छा। ये वो हीरोइन है जो हमारा फोन नहीं उठाती, इसलिए इस सेलिब्रिटी से डेलिब्रेटली मिलने के लिए हम गए हैं उनके स्टूडियो। शूटिंग लोकेशन पर हमारे संवाददाता प्रथम कुमार वहां पर मौजूद है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रथम कुमार, हेलो। जी सर। सर जरा जोर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रथम कुमार, क्या हाल है, माहौल कैसा है वहाँ? जी सर, सर सुनाई मुझे अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं समझ गया सर। दोस्तों इस वक्त हम हैं बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन की वैनिटी के बाहर। आज हम इस हीरोइन का पर्दाफाश करने वाले हैं, आइए आपको लेकर चलते। ये देखिए, ये देखिए, एक दो तीन, तीन दो एक। दोस्तों ये वही सीढ़ियां है जिससे वो हीरोइन चढ़ के अपनी वैनिटी में जाती थी। आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट वैनिटी के अंदर, आइए। सर सर आप अंदर नहीं आ सकते, कहाँ आ रहे सर? देखा देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने मीडिया पर किया है हमला। ये सत्य छुपाने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान के ऊपर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। आइए आइए। दोस्तों जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मीडिया से छुपने के लिए ये विंडो जो है वो ऊपर बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज, वैनिटी वाले भी हीरोइन के साथ इस साजिश में शामिल हैं, लेकिन ये प्रथम कुमार अपनी जान पर खेलकर सच जो है आपके सामने लेकर आएगा। हम सीधा जाएंगे वैनिटी के ऊपर, चलो मेरे साथ आप ऊपर। मैं ऊपर नहीं आऊंगा भाई, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। ब्रेकिंग न्यूज, हमारा जो कैमरामैन है वो भी हीरोइन के साथ इस साजिश में मिला हुआ है। आओ पहले छत देख लीजिए। वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा व्यू है कि यहाँ पर मैं अपनी प्री वेडिंग भी प्लान कर सकता हूँ। व्यू गया भाड़ में, हमें हीरोइन के बारे में बताओ प्रथम। जी सर, सर सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। जी सर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हीरोइन जो है वो वैनिटी के अंदर ही है, क्योंकि हीरोइन वैनिटी के अंदर हो सकती है, वैनिटी हीरोइन के अंदर नहीं हो सकती। हाँ, अब जहां से मुझे उनकी उनकी सांसें भी सुनाई दे रही हैं। अरे वो क्या, ये हीरोइन भेस बदल कर वैनिटी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। अभी हम हीरोइन को पकड़ते हैं, एक मिनट। हेलो
अर्चना जी, इस मुद्दे पर आप क्यों कुछ नहीं कहती? अर्चना जी नहीं, यश कपूर जी है ये। बहुत बड़ा खुलासा, अर्चना जी ही है यश कपूर। प्रथम प्रथम कुमार, तुम किस अर्चना का इंटरव्यू लेने गए हो? अर्चना पूरन सिंह। अरे वो तो हमारे सामने यहाँ पर बैठी हूँ। बेवकूफ हो तुम, किसने बनाया तुम्हें रिपोर्टर? आपने रखा है सर। मैंने रखा है तो बेवकूफ हूँ मैं? ये पूरा आपका निकालते, मुझे आपकी जॉब नहीं करनी, तेल लगाने के आपका चैनल। दूसरा वाला दे। हेलो दोस्तों, नाला सुपारा तेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे वैनिटी का बहुत बड़ा खुलासा और एक हीरोइन का बहुत बड़ा पर्दाफाश। आइए। ओ गुरु, ओ यार तेरे पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, तूतक तूतिया। अरे तूतक तूतिया भाई, नहीं देखा तेरे से बड़ा एंकर। एंकर पर किया गया है चुटकुला, बट इट्स नॉट लॉल। It's not lol at all. बकवास करता करता है, बकवास है करता, बकवास 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 पे बकवास। देखिए मेरे नहीं देखेंगे। ये सब और नहीं देखेंगे। मैं तू बड़ा एक्टर, तू बड़ा एक्टर, तू चला इधर देवानंद करके दिखा। Oh God, no, no, no. गीला गीला देवानंद नहीं, थोड़ा सूखा सूखा। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। शाहरुख खान। ओए, सच सच बता तू है कौन? मैं कह रहा हूं मैंने पुलिस बुला लेनी। पुलिस को मत बुलाना सर। कौन है तू बता? मेरी बात सुनो सर। सर मैं कोई एक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो दूध वाला हूँ सर। ये मेरे को जबरदस्ती इधर एक्टर बनाकर लाया है सिर्फ अपनी खबर सुनाने के चक्कर में सर। कौन लेके आया? सर ये लेकर आए जी। नहीं नहीं ऐसे मुझे मुझे दूर पड़ता है, तू मार। अभी अभी मुझे प्यास लग गई, मुझे जग दो, मुझे जग दो, जग दो मुझे, मुझे जग दो। अरे जग दो, मुझे जग दो, जग दो। अरे ले रे तेरा जग, मुझे जग दो। अगर दिन उसकी दोस्तों ऐसी खबरों के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ की खुशियां ना देना खो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो द कपिल शर्मा शो।